बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. मुझे ये बताइए कि आपको एक वीडियो शेयर की थी मैंने, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कैंसर की, वो आप लोगों ने देख ली थी? कोई रिस्पांस करे मुझे, किसी ने देखी है वीडियो? यस मैम. ठीक है, कुछ बेसिक चीजें समझ में आ गई है कैंसर के हवाले से? यस मैम. ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं. ये जो है जो जो ये लेक्चर है, बेसिकली हमें कीमोथेरेपी के हवाले से बात करनी है. उसमें अगर आपने देखा हो तो हमने एक ट्रीटमेंट रिजीम के हवाले से भी बात की थी कि कैंसर दो या तीन तरीकों से ट्रीट होते. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कैंसर बॉडी होती है उसको रिमूव करना होता है बाय सर्जरी. सर्जरी होने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि कीमोथेरेपी इस्तेमाल कराई जाए या रेडियोथेरेपी इस्तेमाल कराई जाए. अच्छा, कीमोथेरेपी यूं भी होता है कि कभी अगर कैंसर इस तरह के हो कि ऑपरेटेबल ना हो और इतना स्पेसिफाइड ना हो कि आप उसको रेडिएशन से ट्रीट कर सकें, तो फिर हमारे पास वाहिद ऑप्शन जो रह जाता है वो फिर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का ही रह जाता है. वाइड वैरायटी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के आजकल मार्केट में आ गई हैं, मजीद के ऊपर ट्रायल्स भी हो रहे हैं. अभी भी मैं जो आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही थी तो मैं देख रही थी कि वो जो ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस या मोड ऑफ एक्शन को फर्दर डिवाइस करने में, और काफी मतलब जो है वो काम हो रहा है इस वक्त भी. तो इट्स लाइक कि ये प्रोसेस इन कंटिन्यूएशन है. अभी इसमें जो फर्दर रिसर्चेज हैं वो हो रही हैं. फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि अब तक बाय फार जो जो मेन ग्रुप्स कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के डिवाइस हुए हैं उनमें एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट एंटी कैंसर कीमोथेरेपी है और एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स है. हम थोड़ा थोड़ा करके इनको लेके चलेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास ये जो चार मेजर क्लासेस हैं इनमें क्या क्या चल रहा है वो हम देखते हैं. एल्काइलेटिंग एजेंट्स के हवाले से सबसे पहले हम लेके चलेंगे. एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं. एल्काइलेटिंग एजेंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइक्लोफॉस्फामाइड, फिर है नाइट्रोज यूरिया का एक पूरा ग्रुप है जिसमें आपके पास लोमस्टीन ड्रग्स होती हैं. नॉन क्लासिक एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, यानी जो क्लासिक एल्काइलेटिंग एजेंट्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो इनमें नहीं होता है. दे हैव लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ एक्शन जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉन क्लासिक हैं. लेकिन चूंकि एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं इस वजह से इसी ग्रुप के अंदर ऐड की गई हैं. प्रोकार्बाज़ीन है, सॉरी इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है, प्रोकार्बाज़ीन, डाकार्बाज़ीन एंड बेंडामस्टीन, ये ड्रग्स इस ग्रुप में आती हैं नॉन क्लासिक एल्काइलेटिंग एजेंट्स में. फिर आती है प्लैटिनम एनालॉग्स. प्लैटिनम एनालॉग्स में आपके पास हैं सिसप्लैटिन, कार्बोप्लैटिन एंड ऑक्सालीप्लैटिन. इंडिविजुअल अगर इन ड्रग्स को लेके चलें तो जो पहली ड्रग है हमारे पास, नहीं अच्छा इसमें सबसे पहले हमने जो जनरल मोड ऑफ एक्शन है एल्काइलेटिंग एजेंट का वो डिस्कस कर लेते हैं. आमतौर पे होता ये है कि एल्काइल ग्रुप वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स को ट्रांसफर होता है और इस एल्काइलेशन ऑफ अगर फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एल्काइलेटिंग एजेंट का कि एल्काइल ग्रुप को ऐड किया जाता है. इस एल्काइल ग्रुप के एडिशन को अगर हम देखते हैं डीएनए के पर्सपेक्टिव में, अगर डीएनए के साथ एल्काइलेशन होती है तो बेसिकली इट इज द मेजर कॉज ऑफ सेल्युलर डेथ. वजह उसकी ये है कि डीएनए का जो अपना जो मॉलिक्यूल है उसमें फॉस्फोराइलेशन के अलावा और कोई प्रोसेस जो है वो नहीं लग सकता, और कोई भी और फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो खत्म हो जाएगा बिकॉज उनकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी. अब यहाँ पे एल्काइलेशन होती है डीएनए के सिंथेसिस के दौरान या तो न्यूक्लियोटाइड्स की या डीएनए की चेन की. तो चेन की एल्काइलेशन के नतीजे में जो जो आपका जो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का वो भी अल्टर हो जाता है. केमिकल रिएक्शंस जो है मतलब बाकी के जो एजेंट्स हैं अगर उनकी भी एडिशन हो जाए, सल्फाइड्रल ग्रुप हो गया, माइनो ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिल ग्रुप्स की एडिशन हो जाए,
तो भी अगेन वो एल्काइलेटिंग एजेंट्स ऐसा कर सकते हैं और उसके नतीजे में भी यही आपको मतलब मिलेगा एंड प्रोडक्ट, क्या आपका जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो खराब हो जाएगा। किस तरह से खराब होगा कि आपकी जो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है टू फॉर्म इथाइलिन इमोनियम आयन दैट ट्रांसफर्स द एल्काइल ग्रुप टू डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है जी, ये होता है। यानी आपका सिंपली आप यूं समझ लें कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक और एडिशनल साइक्लाइजेशन हो जाती है, बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है, साइक्लिक मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली उसके नतीजे में अब वो ये मॉलिक्यूल जब डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है तो डीएनए मॉलिक्यूल को अपना एल्काइल ग्रुप डोनेट कर देता है। किस किस जगह पे डोनेट करता है? सातवां नाइट्रोजन ग्वानिन का, नाइट्रोजन नंबर 1 and 3 ऑफ एडिनिन एंड नाइट्रोजन नंबर 3 ऑफ साइटोसिन, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स की एडिशन हो जाती है, ठीक है। यानी बेसिकली जो प्यूरीन या पायरोमिडीन या जो आपका जो नाइट्रोजीनस बेस है उसके ऊपर जाके एल्काइल ग्रुप की एडिशन हो रही है। इसके नतीजे में क्या होता है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड क्रॉस लिंकेजेस हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली यही वो पोर्शंस हैं जहाँ पे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है और उसके दरमियान में कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऐड होगा तो वो क्या करेगा कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको ऑल्टर कर देगा। यहाँ पे यही चीज हो रही है, तो उसके नतीजे में ये होता है कि आपका जो सेल साइकिल है वो जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। आप लोगों को सेल साइकिल का आइडिया है? स्टूडेंट्स आई नीड योर रिस्पॉन्स। सेल साइकिल का आइडिया है कुछ? जीवन फेज में एस फेज में क्या हो रहा होता है कुछ आइडिया बताइए मुझे। एनीबॉडी माइक ऑन करें या ग्रुप चैट पे बता दीजिए। एनीबॉडी वांट्स टू आंसर? मैम ये जो है पहले तो होता है जी जीरो फेज, जी ठीक है, बताया उसके बाद जी एस जो है वो सिंथेटिक फेज होता है और उसके बाद जी टू फेज होता है। ये मतलब ये साइकिल होता है जो कि जिस पे असर ये होता है कि जो ये केमोथेरेपी ड्रग्स होती है ना वो इस जो है सेल साइकिल पे जाके जो है इफेक्ट करती है ताकि जो है उसको रोका जाए डिवीजन को। सही है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ जीवन फेज में और एस फेज में क्या हो रहा होता है कुछ आइडिया है? आ देती हूँ। देखें जीवन फेज जो होती है ना ये आती है माइटोसिस के फौरन बाद, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बैक वाली स्लाइड पे जाऊं थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाए। हाँ यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए हमारी जो सेल साइकिल होती है वो इस तरह से होती है, जीवन एस जी टू एन। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है जी? मैम आप क्लियर है? सही, तो मैं ये बता रही थी कि ये जो साइकिल है हमारी जो सेल साइकिल है हम इसकी बात कर रहे थे कि ये हमारे पास चार फेजेस होते हैं सेल साइकिल में। अब इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये ही आगे डिपेंड कर रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। अच्छा देखिए जीवन फेज जो होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है कि चूंकि अब आप देख सकते हैं कि माइटोसिस के फौरन बाद जीवन फेज आ रहा है तो इसमें होता यह है कि आपकी जो जो भी माइटोसिस के बाद जो न्यू डॉटर सेल्स बने होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो डॉटर सेल्स अपनी एनर्जी और अपनी साइज गेन करते हैं, ठीक है। तो जीवन फेज जो होता है वो क्या होता है कि एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल गेन करना, एनर्जी फॉर्मेशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सेल्स सेल शेप एंड साइज, जो कि अडल्ट सेल शेप और साइज है उसके ऊपर आना सेल का। उसके बाद फर्दर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सिंथेसिस का जो फेज है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है, तो एटीपी की सिंथेसिस बेइंतहा होती है। तो ये काम जीवन फेज में हो रहा होता है।
एस फेज की जब हम बात करते हैं, एस फेज बेसिकली आपको मालूम है कि सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस फेज में दो चीजें हो रही होती हैं। नंबर वन, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है जी। आपका जो 46 क्रोमोसोम्स का जो 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 न्यूक्लियस में जो 46 क्रोमोसोम्स पड़े हुए, दे आर रेप्लिकेटेड टू 46 पेयर्स, ठीक है। ये काम होता है। उसके अलावा जो दूसरा काम होता है वो होता है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन होती है। आपको पता है यूजुअली सेंट्रियोल एक होता है और वो जो जो आपका जो नॉर्थ पोल होता है सेल का, उसके साथ जो सेल न्यूक्लियस का जो नॉर्थ पोल होता है उस पर अटैच्ड होता है। यहाँ से उसकी रेप्लिकेशन होती है। ये दोनों रेप्लिकेटेड वही नॉर्थ पोल पे ही रहते हैं, क्योंकि मूवमेंट इसकी जब होगी जब सेल डिविजन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक का जो जो काम है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन होना और आपका सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन हो रहा, ये दोनों काम जो है वो एस फेज में होते हैं। जी टू फेज अगेन थोड़ा सा गैप का फेज है, और इस गैप फेज के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपके दोबारा से एनर्जी बन रही होती है और स्टोर हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत तेजी के साथ काम कर रहे होते हैं और बहुत तेजी के साथ जो है वो एनर्जी को स्टोर करते जाते हैं, क्योंकि आगे अगेन जो माइटोसिस का प्रोसेस है, जो कि सेल डिविजन का प्रोसेस है, दैट इज एक्सट्रीमली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है जी। तो ये वो ये यहाँ पे इस तरह से होता है। उसके बाद फिर से माइटोसिस शुरू हो जाती है, जिसके आपको चार फेजेस मालूम है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज। तो ये चार फेजेस होते हैं। नेट रिजल्ट जो डॉटर सेल्स बनते हैं दोबारा से जीवन फेज में चले जाते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स की, और चूंकि कैंसर सेल्स भी क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट ये जो जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली चल रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आके देखें, जो हमने ये बात की कि जो एल्काइल ग्रुप की एडिशन हो जाती है और आपके जो एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन के ऊपर एल्काइल ग्रुप आके लगता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि क्रॉस लिंकेजेस जो हैं वो डीएनए स्ट्रैंड्स के वो खराब हो जाते हैं, और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि ज्यादा अफेक्ट होती हैं फेजेस सेल डिविजन की, वो एस और जी1 फेज। यहाँ तक बात क्लियर है तो हैंड रेज कर दें प्लीज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जब ऑब्वियसली आप हम कोई भी ड्रग की बात करते हैं और अगेंस्ट अगर लिविंग सेल्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो भी ड्रग्स हैं उनकी बात करते हैं, तो हमेशा याद रखें कि हम रेजिस्टेंस के बगैर हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता। वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनके अगेंस्ट, जिनके होने के नतीजे में आपकी जो ड्रग है वो काम करना छोड़ देती है, क्योंकि जो जो भी सेल्स होते हैं उनकी अपनी एक इनबिल्ट कैपेसिटी होती है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डैमेज। अब जो भी ड्रग आ रही है, जो आप इसमें इंट्रोड्यूस कर आ रहे हैं बॉडी में, तो वो ऑब्वियसली जो जो उसकी जो हेल्थ लाइफ है या उसकी जो हेल्थ है उसके साथ इंटरफेयर करेगी। तो देर आर सर्टेन मैकेनिज्म इन द लिविंग सेल्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लेंगे कैंसर, जो कि फिर क्या कर रहे होते हैं कि उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो रेजिस्टेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो इंक्रीज कैपेबिलिटी टू रिपेयर द डीएनए डैमेज। अब ये जो एल्काइलेशन के नतीजे में जो डीएनए का डैमेज हो रहा है, अगर इनबिल्ट कैपेसिटी आ जाए सेल के अंदर कि उस डैमेज को रिपेयर तेजी के साथ किया जा सके, तो ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ आपने डैमेज किया, वहां पर डैमेज जो है वो रिपेयर हो गया और फिर प्रोसेस दोबारा से शुरू हो गया। तो ये एक चीज जो है वो काफी इरिटेटिंग हो सकती है। डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स इन द सेल। वो अगेन क्या बात है कि जी सेल मेम्ब्रेन से जो ड्रग ट्रांसफ्यूज होकर सेल के अंदर जा रही है और फिर जाके सेल के अंदर जाके काम कर रही है, अगर वो अंदर जाना ही जाना उसका रुक जाए किसी भी वजह से, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ऑल्टर हो जाए, या वो चैनल प्रोटीन जिसके थ्रू एजेंट एंटर हो रहा था वो चैनल प्रोटीन जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन आ जाए, तो ऑब्वियसली ड्रग एंटर नहीं हो सकेगी। जब ड्रग एंटर नहीं हो सकेगी तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपकी अल्कालेटिंग एजेंट सेल के अंदर जाएगा ही नहीं। जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो फिर अपना काम भी नहीं कर सकेगा। इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ और एक्टिविटी ऑफ ग्लूटाथायोन देयर बाय कैटलाइजिंग द कंजंक्शन ऑफ द ड्रग कॉन्जुगेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि ड्रग जो है वो चूंकि मेटाबोलाइज होती है लिवर में, तो वहां पे ग्लूटाथायोन का जो
एंजाइम है वो बेसिकली इसको कॉन्जुगेट कर रहा होता है और उसको इनएक्टिव बना रहा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वैसे भी। तो जो कैंसर सेल्स हैं अगर वो भी ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन, क्योंकि ग्लूटाथायोन मौजूद रहता है हर सेल के अंदर इन पेरोक्सिसोम्स, तो अगर ग्लूटाथायोन बहुत ज्यादा बन जाता है तो वो जो रेडिकल्स बन रहे हैं और जो जो, जो सॉरी रेडिकल्स नहीं बन रहे हैं, जो ड्रग है वो उसको कैटेलाइज करना शुरू कर देगा, जो ड्रग मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे हैं। जब सेल के अंदर जाने के बाद ड्रग मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉन्जुगेट हो जाएंगे, दे विल बिकम इनएक्टिव। तो जब वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो फिर कैंसर सेल को किल नहीं कर सकेंगे, डैमेज नहीं कॉज कर सकेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? हैंड रेज करिए। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये बात हो गई जो रेजिस्टेंस के हवाले से या मोड ऑफ एक्शन के हवाले से, जो कि बेसिकली अल्काइलेटिंग एजेंट्स की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि वो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं उनकी टॉक्सिसिटीज क्या हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। जो पहली ड्रग है इस ग्रुप में वो है साइक्लोफॉस्फामाइड। उसकी अक्यूट टॉक्सिसिटी भी होती है, डिलेड टॉक्सिसिटी भी होती है और उसके अलावा एडवर्स इफेक्ट अलग से भी होते हैं। जो अक्यूट टॉक्सिसिटी है वो है नोजिया वॉमिटिंग। आमतौर पर आप जितने भी एंटी कैंसर एजेंट्स आपको मिलेंगे उनके अंदर नोजिया वॉमिटिंग होती है। अब ये मैं थोड़ा सा क्लिनिकल साइड बता रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक पेशेंट की कीमोथेरेपी अपने घर में करा रही थी, तो जाहिर सी बात है वो मेरे अंदर माय सुपरविजन होता था, तो उसमें जो जो दो तीन चीजें होती हैं जिनको हम यूजुअली कैंसर कीमोथेरेपी की प्री मेडिकेशन कहते हैं। आप लोग चाहें तो अपने पास इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। कैंसर कीमोथेरेपी की प्री मेडिकेशन होती है वो ये होती है कि यूजुअली कैंसर की जो जो ट्रीटमेंट होती है वो स्टोमेटाइटिस करा रही होती है, यानी मुंह के अंदर छाले बना देती है। अब उस छालों से बचने का एक तरीका ये है कि आप पहले ही स्टीरॉयड थेरेपी दे दें पेशेंट को, तो वो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कैंसर की ड्रग्स शुरू करने वाली होंगी वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा और पेशेंट का जो स्टोमेटाइटिस है वो इतना सिवियर नहीं होगा, यानी मुंह में जो छाले हैं वो बहुत डीप और शदीद और पेनफुल नहीं रह जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि एक रात पहले भी स्टीरॉयड दी जाती है और एक मतलब जिस टाइम पे कैंसर की कीमोथेरेपी शुरू हो रही होती है उससे पहले फिर अगेन जो है वो पेशेंट को एंटी वॉमिटिंग एंटी नोजिया मेडिकेशन दी जाती है, पूरी ड्रिप लगती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फिर एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन उसको दी जाती है पेशेंट को, ठीक है ये। और साथ में तीसरा काम ये होता है पेशेंट के लिए कि उसको हाइड्रेशन दी जाती है। से फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो उसको 2 लीटर में डाइल्यूट करके आप एंटी कैंसर थेरेपी लगा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल एक ड्रग जो थी वो साइक्लोफॉस्फामाइड ले लें, उसको डाइल्यूट किया आपने 100,000 लीटर के अंदर, उसके बाद फिर आपके साथ जाहिर सी बात है कैंसर कीमोथेरेपी में कम से कम 2 कैंसर एंटी कैंसर एजेंट्स जरूर डाले जा रहे होते हैं, 2 से कम पे नहीं इस्तेमाल कराते। सिंगल थेरेपी आमतौर पे रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि बहुत तेजी के साथ रेजिस्टेंस जनरेट होती है, तो सिंगल थेरेपी रेकमेंडेड नहीं है। ये प्लीज कहीं पे भी नोट डाउन कर लें, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है और आगे बहुत काम आने वाली चीज है। सो सिंगल थेरेपी कैंसर कीमोथेरेपी में रेकमेंडेड नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो दो मेडिसिन से फॉर एग्जांपल दी जा रही हैं, हम सबसे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, जो 2 मेडिसिन दी जा रही हैं उनको डाइल्यूट करना जरूरी है क्योंकि अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जाएंगी तो ये डायरेक्ट आपका किडनी शट डाउन कर सकती हैं, लिवर शट डाउन कर सकती हैं, ठीक है जी। तो या फिर ये कि बोन मैरो को जाकर डैमेज करेंगी, उसका है कि आप उस वो 1,000 लीटर में डाइल्यूट कर देते हैं ड्रग को, ठीक है। तो अब से फॉर एग्जाम्पल 2 मेडिकेशन है, एक जो है वो 1,000 लीटर की ड्रिप बन गई, दूसरी जो है वो 1,000 ml की दूसरी ड्रग बन गई। अब उसमें जो है वो आपकी 2 ड्रिप्स हो गई ये, और साथ में 2 मजीद हाइड्रेशन यानी 2 नॉर्मल से लाइन, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 नॉर्मल से लाइन जो है वो पेशेंट को दी जाती है। और उसके बाद टेक होम में जो है अगेन नोजिया वॉमिटिंग की मेडिसिन होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, पेन रिलीवर्स होते हैं क्योंकि जो है पेशेंट जब कीमोथेरेपी से बाहर आता है तो उसको पेन बहुत ज्यादा होता है।
से फॉर एग्जाम्पल उसको पेशेंट को 3 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लगना है कीमोथेरेपी का, तो वो जो पहला हफ्ता होता है पेशेंट का वो बहुत पेनफुल होता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं पेशेंट को, और साथ में ये कहा जाता है पेशेंट को कि डेली जो है 5 to 6 liters वाटर इनटेक करना है काउंट करके, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 liter की बॉटल है तो पूरे 24 घंटों में फ्रॉम 8 AM day 1 टू 8 AM day 2 आपके 6 liter पानी हो जाना चाहिए। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि अक्यूट टॉक्सिसिटी या को जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लेती हैं। सो इसमें अक्यूट टॉक्सिसिटी में इस वक्त साइक्लोफोस्फामाइड के हवाले से जब हम बात करते हैं तो नॉजिया वॉमिटिंग है, डिले टॉक्सिसिटी में जो है वो एलोपीशिया है, बोन मैरो डिप्रेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज भी है कि जो डिले टॉक्सिसिटी है उसमें इसका जो इलाज है सबसे पहले वो यही बताया जाता है पेशेंट को कि उसके जितने भी लंबे बाल हैं उनको कहा जाता है कि बिल्कुल छोटे छोटे बाल करा दें। वजह उसकी ये है कि बाद में पेशेंट को बहुत खारिश और बहुत तकलीफ होती है सर में, और जो हेयर बल्ब्स होते हैं वो बहुत तकलीफ से निकल रहे होते हैं, एंड पेशेंट बेसिकली बाल नोच रहा होता है, उसको बालों के जड़ों में बहुत तकलीफ हो रही होती है। मेरे सामने की ये तमाम चीजें हैं तो मैं आपको एक जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रही हूँ। सो उसमें ये होता है कि पहले बालों को छोटा करा दिया जाए ताकि बाल उतरने आसान हो जाए, कुछ लोग पहले ही गंजा करा देते हैं ताकि वो जो बाल उतरने की जो तकलीफ है उसमें आराम आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर बाल पहले से गंजा कराया नहीं है तो वो दूसरी डोज के बाद ऑटोमेटिकली वो सारे बाल मुंह के चेहरे के जिस्म के और सर के सारे बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। तो डिले टॉक्सिसिटी है एलोपीसिया, और उसके अलावा फिर बोन मैरो डिप्रेशन के लिए आप यूजुअली जो है वो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो साथ में जो है वो पेशेंट को देने पड़ रहे होते हैं। अगर और हर कीमोथेरेपी से पहले पेशेंट का जो है वो सीपी कराया जाता है ताकि उसके जो ब्लड काउंट है उसको नोटिस किया जा सके, और अगर लाइकवाइज अगर डिप्रेशन आ रहा है बोन मैरो डिप्रेशन आ रहा है तो उसको भी साथ में ट्रीट किया जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि साथ साथ चल रही होती हैं कीमोथेरेपी में। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई जो टॉक्सिसिटीज हैं जो कि तकरीबन आपको तमाम ही जो एंटी कैंसर एजेंट्स हैं उनमें मिल रहे होंगे, कुछ ना कुछ इनमें से कोई ना कोई चीज जरूर होगी। नोजिया वॉमिटिंग, एलोपीशिया या बोन मैरो डिप्रेशन मेन स्टे टॉक्सिसिटीज हैं ऑलमोस्ट तमाम जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं उसमें, और वजह उसकी क्या है, ये तमाम चीजें बोन नोजिया वॉमिटिंग को छोड़ के एलोपीशिया और बोन मैरो डिप्रेशन यूजुअली क्या है कि जो आपकी जितने भी कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं ये उनको अफेक्ट कर रहा होता है आपका कैंसर कीमोथेरेपी। अब कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स में आपके ब्लड सेल्स डेली बन रहे होते हैं, ठीक है, आपके बालों में डेली के हिसाब से इजाफा हो रहा होता है, तो ये वो दो चीजें हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्ट आता है। फिर उसके अलावा आपकी जो पूरी GIT की म्यूकोजा है वो डेली के हिसाब से चेंज हो रही होती है, उसमें ग्रोथ अगर रुक जाती है तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में आपको स्टोमेटाइटिस या माउथ या GI अल्सर्स हो सकते हैं, और उस अल्सर के नतीजे में ऑब्वियसली बदहजमी होगी, एसिडिटी होगी, उसके नतीजे में पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो रहा होता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं कि इनका जो है वो जरा ध्यान रखे जाए, और पेशेंट को डाइट जो है वो हेल्दी डाइट और कम मिर्च मसाला इस तरह की चीजें, बहुत ऑयली चीज ना हो, उस तरह की चीजें देनी पड़ रही होती हैं क्योंकि पेशेंट उसको वरना बर्दाश्त ही नहीं करेगा, उसको डायरिया शुरू हो जाएगा। ADRs के हवाले से हम बात करते हैं तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस ये साइक्लोफोस्फामाइड स्पेसिफिक है, ये तमाम ड्रग्स में नहीं मिलेगा। हम अब जो ADRs की बात कर रहे हैं बेसिकली दीज आर साइक्लोफोस्फामाइड स्पेसिफिक, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस है यानी कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर इंफ्लेमेशन हो जाती है और यूरिन के साथ जो है वो ब्लड आ रहा होता है, ठीक है जी। तो उस चीज को अवॉइड करने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि एडिक्वेट हाइड्रेशन दी जाती है साथ में, और बहुत ज्यादा जो है वो डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि हाइड्रेट होता रहे और जो ब्लीडिंग है वो मतलब ब्लड जो है वो डायल्यूट हो, और जल्दी जल्दी इरिगेशन के नतीजे में जो है वो पेशेंट जो है मतलब जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके, ठीक है जी। ये बेसिकली चीजें हो गई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ साइक्लोफोस्फामाइड कौन कौन से कैंसर में इस्तेमाल होता है, दो कंडीशंस हैं न्यूप्लास्टिक कंडीशंस और नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशंस में। नॉन न्यूप्लास्टिक में नेफ्रोटिक सिंड्रोम और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइक्लोफोस्फामाइड इस्तेमाल करते हैं, और न्यूप्लास्टिक कंडीशन में बर्कीज लिम्फोमा और ब्रेस्ट कैंसर्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कोई चीज जो पूछने वाली है तो अभी पूछ लीजिए या वरना फिर हैंड रेज करिए। मैम एक क्वेश्चन था, पूछिए बेटा।
मैम आपने कहा था ना कि ऐसे पेशेंट्स को मींस के हम ऑयली चीजें अवॉइड करेंगे, मींस के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, तो इससे रिलेटेड उनको कोई हार्ट डिजीज भी उस टाइम हो सकती है क्या, कोई दिल का मर्ज मतलब एक्सेट्रा इस टाइप का? कौन सा मर्ज? मींस के हार्ट की कोई डिजीज हो सकती है, एंजाइना टाइप कुछ? बेटा देखो, यूजुअली जो कैंसर कीमोथेरेपी है, अभी तक मैंने उसमें ये नहीं सुना कि जो है वो हम पेशेंट को हार्ट का इशू. हाँ, अगर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो वर्स हो सकती है कंडीशन, लेकिन अगर हेल्दी हार्ट है तो कुछ नहीं होता, हार्ट को कुछ नहीं होता. ठीक है जी मैम. ओके, आगे चले. जी मैम, थैंक यू. ओके जी, अब आ जाते हैं नाइट्रोज यूरिया के ऊपर. नाइट्रोज यूरिया की जो यूज है वो लिमिटेड है, बिकॉज सीएनएस में ये पेनिट्रेट करता है. ठीक है, तो तमाम पेशेंट्स को आप, जिनको सीएनएस का कोई इशू नहीं है, उनको आप ये ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि देंगे तो सीएनएस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. तो एडवर्स इफेक्ट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एडवर्स इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे. तो उस चीज से बचाने के लिए आपने इसकी जो यूज है उसको लिमिट रखा हुआ है सीएनएस कंडीशन में, लाइक ग्लायोमास वगैरह, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें आप नाइट्रोज यूरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं. एडवर्स इफेक्ट ऑब्वियसली एप्लास्टिक एनीमिया, रीनल टॉक्सिसिटी, ये जनरल एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो यूजुअली तमाम पेशेंट्स को मिलेंगे. अगेन बहुत ज्यादा हाइड्रेशन देंगे तो ही जाके जो है रीनल टॉक्सिसिटी ठीक होगी. हर कीमोथेरेपी से पहले ब्लड सीपी करा के सेलुलर लेवल देखा जाएगा, और अगर सेलुलर लेवल गिर रहा है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उनके लिए कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स देने पड़ेंगे, ताकि आपके जो WBCs हैं या जो प्लेटलेट्स हैं उनकी को जो मिकदार है उसको बढ़ाया जा सके. अच्छा जी, इस ड्रग में, इस क्लास में स्ट्रेप्टोजोटोसिन आती है, और यूजुअली अगर आप नाम थोड़ा सा बेल रिंग कर रही हो तो यूजुअली हम डायबिटीज के पेशेंट को स्ट्रेप्टोजोटोसिन से ट्रीट कर रहे होते हैं. मिनिमल बोन मैरो टॉक्सिसिटी है इसकी, और इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन सीक्रेटिंग आइलेट सेल कार्सिनोमास ऑफ पैनक्रियास. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसके बारे में. ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है वो है, जो ग्रुप है वो है नॉन एल्काइलेटिंग ए, सॉरी ये मैंने हेडिंग गलत लिखी है, काइंडली इसको ठीक कर लीजिएगा. नॉन क्लासिक एल्काइलेटिंग एजेंट है ये, वो नॉन एल्काइलेटिंग एजेंट बन गया गलती से, इसको ठीक कर लीजिएगा. अच्छा, अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं प्रोकार्बाजीन, डाकार्बाजीन एंड बेंडामस्टीन, और ये जो तीनों ड्रग्स हैं वो बेसिकली उनका सबका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है, इस वजह से इनका थोड़ा सा हमने अलग अलग डिस्कशन किया. प्रोकार्बाजीन जो है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है, इंटरफेस को प्रोलोंग करता है और प्रोड्यूस करता है क्रोमोसोमल ब्रेक्स. ठीक है जी, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मुझे कोई ये बताएगा कि क्रोमोसोम में और क्रोमैटिन में क्या फर्क है? एनीबॉडी? मैम जो मैम जो इनिशियल में होती है, जो नॉर्मली होता है ना, वो होता है क्रोमेटिन मटेरियल. मींस के क्रोमोसोम जब प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं ना, तो सिर्फ उनका मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं. फिर वो प्रॉपरली जब डेवलप हो जाता है अपनी एक प्रॉपर फॉर्म में, देन वी कॉल इट द क्रोमोसोम. प्रॉपर डेवलपमेंट से क्या मुराद है बेटा आपकी? मैम मतलब उसकी जो पहले मींस के उसका इतना फंक्शनल नहीं होता ना, बिकॉज वो एक वो कहते हैं कि डिफाइंड फॉर्म उसका नहीं होता, प्रॉपर फॉर्म होता है डीएनए का, उसे क्रोमेटिन कहते हैं. जी मैम, क्रोमोसोम किसे कहते हैं? क्रोमोसोम किसे कहते हैं फिर बेटा? मैम फिर वो प्रॉपर होगा और क्रोमेटिन मटेरियल इम्प्रॉपर होगा, सेपरेट होंगे. चले मैं आपसे बात, मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली होता क्या है कि आपका जो जो क्रोमेटिन मटेरियल है और क्रोमोसोम है, दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है कि सेल किस स्टेट में है. अगर तो सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है,
यानी जिस टाइम पे सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, किसी किस्म की सेल डिवीजन नहीं होने वाली है, तो उस टाइम पे आपका जो क्रोमैटिन होता है वो खुल जाता है, और खुलता आता है ताकि जीन्स ओपन हो जाएं और सेलुलर एक्टिविटीज हो सके. सो जो डीएनए ओपन डीएनए जो होता है वो क्रोमैटिन कहलाता है. और फिर आपको मालूम है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, अल्ट्रा सुपर कॉइलिंग में जाता है, जिसके नतीजे में आपको जो है वो माइक्रोस्कोप पे विजिबल वो सीजर शेप के क्रोमोसोम्स नजर आ जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये बात क्या हो रही है कि आपके जो 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 एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो आपका जो डीएनए मटेरियल कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग के नतीजे में सीजर शेप स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज क्रोमोसोम. और जब सेल सेल जो है वो रेस्ट स्टेज पर है और उस टाइम पे सेल डिवीजन नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे जो ओपन डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रोमैटिन. ये बात क्लियर है? हैंड रेज कर दें बस. यस मैम, क्लियर है. थैंक यू जी. अच्छा, इसको जो है हम मैं आपको नेक्स्ट जो है इनवाइट भेज रही हूँ, क्योंकि ये क्लास का टाइम खत्म हो रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं.